एक बात बता, अगर अभी यहाँ शेर आ जाए तो तू क्या करेगा? मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। और अगर शेर पेड़ पर भी चढ़ गया तो मैं लेक में कूद कर तैरने लगूंगा। और अगर शेर भी लेक में कूद कर तेरे पीछे आने लगा तो? अरे तू मेरी तरफ है या शेर की तरफ है? अरे मैं तो हमेशा तेरी तरफ हूँ। और उधर देख, वो कश्ती हमारी तरफ आ रही है। अरे हाँ दोस्त, तो चल आज कश्ती की सैर हो जाए। हाँ हाँ चल चलते। दोस्त ये तो अपनी साइकिल जैसा है, पानी में चलने वाला रॉकेट। तो तेज भगाना इसको ऐसे। ये ले। बुध, लगता है हम कश्ती लेके गलत समय पर आ गए। हमें मौसम विभाग की चेतावनी पढ़ के आना चाहिए था। अरे वो तो मछुआरे के लिए होती है, हम मछुआरे थोड़े हैं। अदरी, लगता है मुझे चक्कर आ रहे हैं। अरे ये चक्कर नहीं, समंदर में तूफान आया है, कस के पकड़ वरना पानी में गिर जाएगा। दोस्त हम जिंदा है ना? हाँ मुझे तेरी आवाज सुनाई दे रही है, मतलब हम दोनों जिंदा हैं। अरे ये कौन सी जगह है? लगता है ये कश्ती का लास्ट स्टॉप है, चल उतर कर देखते हैं। यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा है। अरे हाँ कोई है, कोई है, कोई है। यहाँ कोई जवाब नहीं दे रहा, मतलब हमारे सिवा और कोई नहीं है। बद्री मुझे बहुत डर लग रहा है, चल वापस चलते हैं। अरे हमारी कश्ती कहाँ गई? अरे वो देख, अब हम वापस कैसे जाएंगे? हमारे पास अब बस एक ही रास्ता है। कौन सा? वही तो ढूंढना है, चल। दोस्त यहाँ तो चारों तरफ जंगल ही जंगल है। लेकिन बद्री जंगल में हमें शेर नजर आ गया तो हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे, जो कुछ करेगा शेर ही। बद्री लगता है शेर ने हमारी बातें सुन ली। नहीं दौड़ सकता। मैं भी बहुत थक गया और दौड़ते दौड़ते मेरे पेट में भी चूहे दौड़ने लगे। हाँ भूख तो मुझे भी लगी है, लेकिन हम खाएंगे क्या? ऊपर वाले ने हमारी सुन ली दोस्त। वाह इसको तो हम खा भी सकते हैं और पी भी सकते हैं। लेकिन इसे फोड़ेंगे कैसे? अरे ऐसे नहीं, ये देख जा बजरंग बली, तोड़ दे दुश्मन की नली। नीचे ले जा। Woo!
बाप रे, यहाँ तो धनुष बाण चल रहे हैं। कहीं हम राजा महाराजा के इलाके में तो नहीं आ गए? नहीं दोस्त, ये शायद शिकारी थे जो जानवरों पर हमला कर रहे थे। क्या? ये तो बहुत गलत बात है। इन्हें जानवरों को ऐसे नहीं मारना चाहिए। ये देख, इनके तीरों की वजह से हम भूखे मरने से बच गए। बद्री, अब तो अंधेरा भी हो गया, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तूने मुझे कभी बताया नहीं कि तुझे अंधेरे से डर लगता है। मैं कभी बदलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं यार। कोई बात नहीं दोस्त, डर के आगे जीत है। पत्थर का जवाब ईंट है। अरे, पत्थर का जवाब ईंट नहीं, ईंट का जवाब पत्थर होता है। अरे जवाब कुछ भी हो, लेकिन मुझे अंधेरे का जवाब मिल गया। ये देख, हिस्ट्री पढ़ने का फायदा। तुझे पता है, पत्थर को आपस में घिसने से आग निकलती है। तूने हिस्ट्री ठीक से नहीं पढ़ी, वरना अभी तक आग जल जाती। अरे आग को छोड़, आंखें देख आंखें। अरे मेरी नहीं, सामने देख। अरे बाप रे, लगता है कोई जानवर हमारी तरफ घूर घूर के देख रहा है। अरे ये कोई खतरनाक जानवर नहीं, बल्कि जुगनू है। लगता है ये जुगनू तो हमारी मदद करने आए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आसमान में दिवाली की लाइटिंग हुई है। ये देख, इन्होंने तो हमारे लिए मशाल बना दी। हाँ यार, हमें यहाँ कब तक रहना पड़ेगा? जब तक हमें कोई लेने नहीं आता। लेकिन हम तो किसी को बताकर भी नहीं आए। हाँ दोस्त, वापस जाने के लिए हमें ही कुछ करना पड़ेगा। बुध, वो देख, लकड़ी पानी पे तैर रही है। हाँ, लेकिन हमें तो तैरना नहीं आता। अरे लकड़ी को तो आता है, हम उस पे बैठ जाएंगे। इस लकड़ी पे हम दोनों बैठेंगे तो ये डूब जाएगी। लेकिन जब चार लकड़ियों पर बैठेंगे तो वो नहीं डूबेंगी ना। वाह बद्री, तू तो ज्ञान से भी तेज हो गया है। ये लकड़ियाँ अब हमें अपनी मंजिल तक पहुँचाएंगी। वो कैसे? लकड़ियों से बोट बनाकर। हाँ, जब हम पेपर बोट बना सकते हैं, तो लकड़ी की बोट क्यों नहीं बना सकते? ये हो गई तैयार हमारी कश्ती। चल अब इसे पानी में ले चलते हैं। जोर से, हाय शा। अरे ये तो बहुत भारी है। तो क्या हुआ, हमें कौन सा इसे सर पे बिठा कर ले जाना है? अरे दोस्त देख, मौसम फिर से खराब होने लगा। हाँ, अब क्या करें? हमारी कश्ती पे तो छुपने की जगह भी नहीं है। अरे मैं खुद पता नहीं कहाँ हूँ, मैं कैसे बचाऊँ? यार अपनी कश्ती लीक हो गई, बचाओ। वो देख, अपनी असली वाली कश्ती। हाँ चल उसे पकड़ दे। पार्टनर, हम पहुंच गए। अरे हाँ,
और फिर अली बाबा ने उन चोरों का पीछा किया। वो चोर जाकर एक बड़ी सी गुफा के सामने रुक गए। फिर चोरों के सरदार ने जोर से कहा, खुल जा सिमसिम। और तुरंत ही एक गुफा का दरवाजा अपने आप खुल गया। वाओ, पासवर्ड प्रोटेक्टेड ऑटोमेटिक डोर, सो कूल। उस गुफा में था उन चोरों का खजाना, हीरे, जवाहरात, सोना, चांदी, पूरी गुफा भरी थी खजाने से। काश हमें भी मिल जाए कोई ऐसा खजाना। ऐसे नहीं मिलता किसी को खजाना। उसके लिए घड़े पे बैठ के जाना पड़ता है। तुम दोनों ने कभी घोड़े भी दौड़ा है क्या? हाँ हाँ, चाहिए तो अभी दिखा देते हैं। चल पार्टनर। हाँ चल। ये देख। लगता है ये घोड़ा नहीं चला रहे हैं, डांस कर रहे हैं। सो फनी मूव्स। इन दोनों को तो डांस भी करना नहीं आता है। हम स्कूल के सबसे अच्छे डांसर हैं। चल पार्टनर, इनको दिखा देते हैं अपने मूव। क्लास है, कोई डिस्को नहीं। तुम दोनों चलो हमारे साथ। बुध बदरी, एक फाइल ढूंढनी है, लाल रंग। तुम दोनों यहाँ ढूंढो, हम वहाँ ढूंढता हूँ। कोई शरारत मत करना, और जैसे ही मिल जाए तो पहले हमको बताना, ठीक है? यस सर। कितनी गंदगी है, कितनी धूल है यहाँ पे। पार्टनर, ये देख क्या है। दिखा दिखा, ये तुझे कहाँ से मिला? लगता है कोई मैप है। किसी की ज्योग्राफी बुक से निकला होगा। अरे नहीं पार्टनर, ये किसी और चीज का मैप है। यहाँ लिखा है प्रिंसिपल्स कैबिन, और ये है लैब। तो मतलब ये अपने स्कूल का मैप है। हाँ पार्टनर, ये जरूर एक ट्रेजर का मैप है। तुझे कैसे पता? अगर ट्रेजर नहीं होगा तो कौन इतनी मेहनत करके ये मैप बनाएगा? ये है जीनियस। चुपा चुपा, तू पीछे आ रहे। चलो, हो गया ढूंढना खत्म। ये मिल गया हमको फाइल। तुम दोनों अब निकलो यहाँ से, तुम्हारा नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है। आगे से शैतानी नहीं करना, अब जाओ क्लास में। यस सर। थैंक यू सर। चल पार्टनर, हमें अली बाबा का खजाना मिल गया। पार्टनर, ये देख, यहाँ लाल रंग का क्रॉस बना है। अरे यही है वो जगह जहाँ खजाना छुपा है। मतलब हम अमीर हो जाएंगे। पैसे पैसे, रिच रिच, सुपर रिच। अरे आज तुम दोनों इतनी खुश क्यों हो? लगता है थपने में इनकी लोतली लग गई है। थपने में नहीं, सच में। देख, हमें खजाने का मैप मिल गया है। खजाने का मैप? पार्टनर, ये क्या किया? खजाने का मैप सीक्रेट होता है। तो पहले बताना चाहिए था ना। अरे अले, खजाने का मैप है। मैं तो अमीर बन गया। आई एम लिट, आई एम सुपर लिट। और मैं भी अमीर बन गया। ओ बल्ले बल्ले। पार्टनर, ये दोनों भी अमीर हो गए। अरे चुप जीवा, ये हमारा मैप है, इसे वापस दे दो। कौन था मैप? ये जो तुमने अपने हाथ में पकड़ा है। तो ले लो। बाग बाग। OMG, सुना तुमने? ट्रेजर या गर्ल, चल जल्दी से। सुना तुमने? खजाना। अरे चलो जल्दी, खजाना मिल गया। हाँ चलो जल्दी जल्दी। पार्टनर, 40 चोर खजाना लेकर भाग रहे हैं। हमसे पंगा, अब इनको सबक सिखाना पड़ेगा। पार्टनर चल आजा। चल। अरे लेकिन ये खदाना है कहाँ? मैप मुझे दिखा। नहीं, ये मेला मैप है, तू लेकर भाग जाएगा। जीवा, अगर मैप नहीं दिखाएगा तो मैं कैसे बता पाऊंगा कि खजाना कहाँ है? हाँ वो भी सही है,
ये लो देख, ये क्रॉस बना है यहाँ लेफ्ट साइड में, मतलब अरे जल्दी कर ना। हाँ हाँ, ये जरूर लैब का लोकेशन है। चल लैब पे। वो रहे दोनों, वो दोनों लैब में जा रहे हैं, चल। अब बता ध्यान, कहाँ है खदाना? मुझे क्या पता, वो तो ढूंढना पड़ेगा ना। वो राजीवा, उनका खजाना हमारा है। खजाना हमारा है। चलो जल्दी से ढूंढो, इससे पहले कि कोई और ढूंढ ले, हम खजाना ढूंढ लेते हैं। ट्रेजर हमेशा सीक्रेट प्लेस में होता है। हाँ, वो हमें ही मिलेगा। इसके नीचे देख, अरे ऊपर देख, क्या ढूंढो? ओह, मैं थक गई हूँ। हाँ, कब से ढूंढ रहे हैं? लगता है इन दोनों ने हमें उल्लू बनाया है। ये मैप झूठा है। नहीं नहीं, सच्चा है। तू खजाना है कहाँ? सोचने दो। ध्यान, तूने तो कहा था कि खदाना लैब में है। मैप पे जो मार्क बना था वो तो लैब के लोकेशन पे ही था। आइंस्टाइन की कसम, ट्रेजर हमेशा सीक्रेट जगहों पर होता है, ऐसे ओपन स्पेस में नहीं मिलेगा। मैप पे जो क्रॉस बना था एक्स जैसा। एक्स जैसा? हाँ, एक्स जैसा। खजाना वही है जहाँ एक्स मार्क है। आई थिंक बद्री इज राइट, हमें लैब में एक्स मार्क ढूंढना होगा। तो फिर इंतजार किसका है? सब काम पे लग जाओ और ढूंढो मेरा खजाना। सिर्फ तुम्हारा नहीं बद्री, हम सब बराबर के हिस्सेदार हैं। और क्योंकि मैप बद्री और बुध को मिला था, इनको हम थोड़ा ज्यादा शेयर देंगे। हाँ ठीक है पार्टनर, हम सबसे ज्यादा अमीर बनेंगे। तो चलो मेरे 40 चोरों, ढूंढो एक्स और लूट लो अपना खजाना। ये लहा एक, इतना छोटा है तो खजाना भी उतना ही छोटा होगा। गुलदार टिम टिम, ये रहा एक्स यहाँ पर। एक एक्स मुझे भी मिला, ये तो बहुत छोटा है। ये रहा एक्स, यहाँ पे भी हो सकता है। लेकिन यहाँ कहाँ एक थे, इधर तो गड़बड़ है। हाँ? अरे यो क्या कर दिया तुम लोगों ने? कबूतर खाना बना दिया लैब को। हमारे स्कूल की शान थी ये लैब, अब देखो इसने तबेला लाग रहा है। भैंस की कमी है बस। सॉरी सर, हमें माफ कर दीजिए। तुम लोग कुछ भी करो और हम माफ कर दें। अरे प्रिंसिपल है हम। सॉरी सर। ये सब किया क्यों? सर, ये बद्रीनाथ और बुद्धदेव की वजह से हुआ। हाँ सर, इन्होंने ही कहा कि लैब में ट्रेजर है। चुप हो जाओ सब के सब, मुझे कुछ ना सुनना, सब ने पनिशमेंट मिलेगी। सॉरी सर, मैं माफ कर दीजिए। हल हल, देखिए मुझे क्या मिला। अरे वाह जीवा, ये तुझे क्या मिला? ला, मन ने दिया ट्रॉफी। यो तो वही ट्रॉफी है जो 5 साल पहले स्कूल से चोरी होली थी, मगर ये तुझे मिली कैसे? ये मैप दे थल। लगता है यो मैप चोर ने खुद के लिए बनाया था। अब बात जीवा, कल सुबह तुझे असेंबली में पुरस्कार मिलेगा। ट्रॉफी? ट्रॉफी नहीं, वो तो हमारी है प्रिंसिपल हम। सर, ये मैप तो हमने ढूंढा था, हमें भी इनाम मिलना चाहिए। मैं इनाम सिर्फ उसने देता हूँ जो मुझे ट्रॉफी देता है, और तुम दोनों ने तो ये लैब तोड़वा दी। तुम्हें इनाम ना पनिशमेंट मिलेगी। मजा आएगा अब दोनों को मिलेगा पनिशमेंट। सर, मुर्गा बन जाए। मुर्गा नहीं, घोड़ा। पार्टनर, ट्रेजर हंट में कितना मजा आया ना? हाँ पार्टनर, इतना मजा तो अली बाबा को भी नहीं आया होगा ट्रेजर ढूंढने में। पार्टनर, अगर तुझे बहुत सारा खजाना मिल जाता तो तू क्या करता? मैं एक दो नौकर चाकर रखता, और ये सारे गंदे काम, पॉटी करना, नहाना, धोना, ब्रश करना, ये सारे काम वो करते। मैं तो सिर्फ मेगा रोबोट खेलता। हाँ, एकदम सही लल्लंटा।
चीवा चल जल्दी, उधर जाकर खड़ा हो जा। जल्दी पार्टनर। हम जीत गए। अब तुम्हारी बारी। हाँ चलो लाओ बॉल इधर। अरे मेरे ध्यान नहीं था, नहीं तो इतबाल में जीत जाता। अरे रोटलो जब भी हारता है तो कुछ ना कुछ बहाने बनाता है। ये बॉल कहाँ गई? उधर मैं लेकर आता हूँ। अरे एक छोटी सी बॉल ढूंढने में कितना टाइम लगता है? ओए। हाँ? ये क्या है? पता नहीं मुझे यहाँ पड़ा मिला। खोल के देख। खजाना। खजाना? बुद्ध को खजाना मिला? मतलब जिसमें बहुत सारा सोना चांदी होता है वैसा खजाना? हाँ। अरे कहाँ है खजाना, दिखाओ मुझे। क्या झूठ बोलते हो, ये तो खाली है। ढूंढ सके तो ढूंढ लो। किसको? अरे वो इस खजाने की बात कर रहे हैं। लेकिन ढूंढेंगे कहाँ? अरे देखो यहाँ कुछ लिखा है। जब भी लिखना होता तुमको, बनती हूँ मैं सखी सहेली, यही है मेरा गुण रे भाई, जब भी काटो नई नवेली। है? अरे ये तो कविता है, खजाना नहीं, किसी ने हमें उल्लू बनाया। नहीं ये कोई क्लू है इस खजाने तक पहुंचने का। जब भी लिखना होता तुमको, बनती हूँ मैं सखी सहेली, यही है मेरा गुण रे भाई, जब भी काटो नई नवेली। पेन। लेकिन पेन को काटते थोड़ी है। पेंसिल। यस पेंसिल। लेकिन इतनी थी पेंसिल के अंदर इतना बड़ा खजाना कैसे रख सकते? लेकिन बड़ी पेंसिल तो रख सकते हैं। हाँ चलो मेरे साथ। वो रही पेंसिल। अरे यहाँ तो और एक लेटर है, खजाना कहाँ है? अरे ये सब बकवास है, ऐसे ही थोड़ी खजाना मिलता है। मैं जा रही हूँ। हाँ, हमें कोई उल्लू बना रहा है, मैं भी जा रही हूँ। जाओ हम लोग ढूंढ लेंगे। हाँ? ये है जीनियस। चार कोनों का नगर बना, चार कुएं बिन पानी, चोर 18 उसमें बैठ लिए एक रानी, आया एक दरोगा सबको पीट पीट कर कुएं में डाला। अली बाबा तालीस तोड़। अरे इसमें 40 नहीं 18 चोर हैं, 18। ताल कुएं बिन पानी मतलब रेगिस्तान। मैं नहीं आ रहा रेगिस्तान। अरे रेगिस्तान नहीं कुछ और है, चोर 18 उसमें बैठने के लिए एक रानी। एक रानी? लेकिन रानी तो कैरम में होती है। हाँ पार्टनर एकदम सही बोला, इस क्लू का मतलब कैरम बोर्ड, एक रानी और 18 पीसेस होते हैं कैरम में। यस। हमें स्पोर्ट रूम में जाकर कैरम बोर्ड चेक करना पड़ेगा, वही खजाना मिलेगा। हाँ चलो। अरे यहाँ सिर्फ गोतिया है, खजाना कहाँ है? What a shot! तू तो हीरो है कैरम में। इस शॉट से क्या हमें खजाना मिलेगा? शहजादा। ये देखो मिल गया खजाने का अगला क्लू, डुबकी लगाकर मिलता है ज्ञान, फिर भी नहीं करते स्नान, लगाए जो डुबकी तो बने महान। ज्ञान? तू स्नान नहीं करता क्या? अरे वो उस ज्ञान यानी नॉलेज की बात कर रहा है, मेरी नहीं। बाथरूम तलते? नहीं कुछ और है, ज्ञान सोचो। ये है जीनियस। डुबकी लगाकर मिलता है ज्ञान, लगाए जो डुबकी तो बने महान।
डिफिकल्ट है, तो जाकर लाइब्रेरी में कोई किताब पढ़कर आ जा। लाइब्रेरी, ब्रिलियंट वर्ड, डुबकी लगाकर मिलता है ज्ञान, लगाए जो डुबकी तो बने महान, डेफिनेटली लाइब्रेरी। ललन टॉप पार्टनर, चलो लाइब्रेरी। इतनी सारी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, इसी बहाने तुम लोग किताबें तो छूलोगे। हाँ। चलो सब ढूंढना शुरू करो। जब तक रहती हूँ मैं सीधी, सबको खूब पिलाती पानी, अगर तुम मुझे उल्टा कर दो मैं गरीब हो जाऊंगी। अरे तू क्या कर रहा है? तुमने ही तो कहा था अगर तुम मुझे उल्टा कर दो। अरे मैं तो पहली पढ़ रहा था, मुझे छोड़ दो। जब तक रहती हूँ मैं सीधी, सबको खूब पिलाती पानी। अरे यार क्या परेशानी है, एक खजाने के लिए कितना सरदर्द। अगर तुम मुझे उल्टा कर दो। अब हम लाइब्रेरी में डुबकी लगा सकते हैं। यहाँ तो नदी बहने लगी। नदी? अरे इस पहेली का मतलब है नदी, अगर तुम मुझे उल्टा कर दो मैं गरीब हो जाऊंगी। नदी का उल्टा होता है दीन, मतलब गरीब। अब नदी पे जाना पड़ेगा। नहीं अब मैं थक गया हूँ, कोई खजाना वजाना नहीं है, मैं जा रहा हूँ। हाँ, हम भी जा रहे हैं। मैं भी अब बोर हो गया हूँ। अरे सोच जरा, क्लासरूम में जाना है कि नदी पर? हा? हा? चलो नदी पर चलते हैं। मुझे लगता है खजाना पानी में होगा। पानी में तो मछली होती है, खजाना नहीं। नहीं खजाना भी होगा। खजाना मिल गया। अरे दोस्त तूने तो कमाल किया, अब जल्दी से खोल। लगता है बला खदाना है, बहुत भारी निकला है। अरे इसमें तो पत्थर निकला। स्नेक, स्नेक, अरे और एक क्लू मिला। भूखे भजन ना हो गोपाला, भूख मिटाए नुक्कड़ का लाला। ये पढ़ने का टाइम नहीं है, भाग यहाँ से। भूख मिटाए नुक्कड़ का लाला। अरे भूख को छोड़, सब वापस आ जाएगा। यार भूख का नाम सुनकर तो मुझे भी भूख लग गई, लेकिन अब खाना मिलेगा कहाँ? वही जहाँ हमेशा मिलता है, नुक्कड़ पे लाला के यहाँ। हाँ इसमें भी यही लिखा है, चलो जाकर देखते हैं। खजाना नहीं मिला तो उसकी शॉप से कुछ खा तो लेंगे। ये देखो आ गया लाला का होटल। राठी सर यहाँ? सर ने स्कूल छोड़ के रेस्टोरेंट खोला और हमें बताया भी नहीं। तू कहाँ भागो था, थल ने देख लिया तो कुत्ता कलेंगे। अरे आओ अंदर आओ, हम तुम लोगों का ही इंतजार कर रहे थे। हमारा इंतजार? हाँ आज चिल्ड्रंस डे है ना, और राठी सर तुम सबको चिल्ड्रंस डे का सरप्राइज देना चाहते थे। हाँ मैं देखना चाहता था कि हमारे स्कूल के बच्चे कितने होशियार हैं। मतलब ये खजाने की खोज आपका प्लान था? हाँ और तुम लोग सारी पहेलियों को सही तरीके से बुझाकर यहाँ तक पहुँचे, शाबाश बच्चों। थैंक यू सर, लेकिन हमारा खजाना है कहाँ? वेटर। सर अब हम खुद को नहीं रोक सकते। हाँ सर, क्योंकि भूखे भजन ना हो गोपाला। तो चलो सब शुरू हो जाओ। Happy Children's Day!
बच्चों, आज स्कूल के एनुअल डे पे मैं सबसे यही कहूँगा कि जैसे किताबों से दिमाग का विकास होता है, वैसे ही खेल से शरीर का विकास होता है और हम चुस्त और तंदुरुस्त रहते हैं। हम तो पहले से ही चुस्त और तंदुरुस्त हैं। हाँ, मैं चुस्त और तू तंदुरुस्त। इसीलिए खेलना भी हमारे लिए उतना जरूरी है जितना कि पढ़ना। अब मैं हम सबके योगा गुरु जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो मशाल जलाकर इस खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ करें। सबसे पहले है तीन पैरों की दौड़। अरे थोड़ा धीरे चल बदली। नहीं नहीं, सब गड़बड़ हो गया। रेस कैंसिल। दोस्त, स्पोर्ट्स डे की पहली रेस कैंसिल हो गई। मैं तो कहता हूँ सभी रेस कैंसिल हो जाएं। हाँ यार, इससे अच्छा तो हम लोग घर पे बैठकर मेगा रोबोट खेल लेते। तो जाओ, जाकर खेलो। बाकी सबको क्यों परेशान कर रहे हो? तुम्हें क्या पता प्रॉमिस क्या होता है? प्रॉमिस मतलब वादा, जो मैंने अपने पापा से किया है। कैसा वादा? यही कि मैं सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, एक दिन स्पोर्ट्स में भी मेडल लेकर आऊंगा। दोस्त, वो देख, ज्ञान कैसे उदास बैठा है। हाँ, इसने रेस के बाद से कुछ खाया भी नहीं। लगता है इसको मेडल दिलाना ही पड़ेगा। लेकिन मेडल कहाँ से लाएंगे? वो देख, वहाँ है मेडल्स। ज्ञान, ये ले, तेरे पापा का प्रॉमिस। ये कहाँ से लाए? अरे वो सब कुछ छोड़ना, तुझे मेडल चाहिए था ना। बस अब जाके कुछ खा पी ले। मुझे जीता हुआ मेडल चाहिए, कहीं से उठाया हुआ नहीं। इसको मेडल जीतवाना ही पड़ेगा। ये हो गई ज्ञान की जीत पक्की। बहुत बढ़िया। जिस कंसंट्रेशन के साथ ज्ञान पढ़ाई करता है, वही कंसंट्रेशन उसने खेल में भी दिखाया। ललंडा। अरे ये नींबू तो चम्मच पर चिपका हुआ है। सर, मैं ये रेस नहीं जीतता हूँ। कौन बोला? हम अपनी आँखों से देखे हैं कि तुम ही रेस जीते हो। सर, रेस तो जीता हूँ, लेकिन चीटिंग से। अरे कोई चीटिंग करके बताता है क्या? सर, मैंने नहीं, किसी ने मेरे साथ की। ये देखिए, मेरे चम्मच पर ग्लू से किसी ने नींबू को चिपका दिया है। ओ, ये बात है। तो ठीक है, ये रेस भी कैंसिल। दोस्त, ज्ञान की प्रॉब्लम क्या है? कभी कहता है मेडल चाहिए, और जब मेडल जीता तो कहता है ईमानदारी से चाहिए। मतलब हमें ईमानदारी से चीटिंग करनी पड़ेगी। ईमानदारी से चीटिंग? ये कौन सी चीटिंग होती है? मतलब हम चीटिंग से उसे ऐसे जिता दे कि उसे पता भी न चले। अरे यार, उसके लिए तो फिर कुछ सोचना पड़ेगा। तो सोचते हैं ना।
क्या हुआ? आइडिया आया क्या? नहीं, लगता है शर्ट में चींटी घुस गई। चींटी? आइडिया मिल गया दोस्त। अब होगी साइक रेस, जिसमें सब बच्चों को दोनों पैर बोरी में डालकर बोरी को पकड़ के फिनिश लाइन तक भागना है। ए जीवा, बोरी को पकड़ के भागना है, पैंट को नहीं। सारा मारा आउट और फिनिश लाइन को क्रॉस करते हुए ज्ञान बना चैंपियन। ज्ञान सबास। चींटी से जीता तल, चींटी से। चींटी नहीं, चीटिंग। तुम्हारा मतलब कि ज्ञान चीटिंग से जीता? नहीं सर, चीटिंग से नहीं, चीटी से जीता, चीटी से। हाँ सर, हमारे साथ में चीटियाँ थी। हाँ, इसलिए हम भाग नहीं पाए और ज्ञान जीत गया। ओह, चीटियों की चीटिंग नहीं चलेगी, इसलिए यह रेस भी कैंसिल। हमारी चींटी पकड़ी गई। हाँ, इसलिए अब कुछ ऐसा सोच कि जो ना ज्ञान को पता चले और ना ही किसी और को। अभी नहीं सोच सकता मैं, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ, भूख? भूख तो सबको लगी होगी। तो तू क्या सबको खिलाएगा? हाँ, ज्ञान के लिए सबको खिलाना पड़ेगा। गुरुजी, आपका लंच। लंच नहीं, अन्न ग्रहण। हैं? क्या, कौन सा ग्रहण? अन्न ग्रहण, अन्न कुछ नहीं, तुम जाओ। अब होगी 400 मीटर की रनिंग रेस, जो कि इस स्पोर्ट डे का आखिरी मुकाबला है। अगर ई रेस भी कैंसिल होती है तो इस साल कोई मेडल नहीं जीत पाएगा, तो ध्यान रहे कोई गड़बड़ ना हो। करण खाएगा। जीवा, ये केला खा, शक्ति आएगी और तू फर्स्ट आएगा। ज्ञान तो आगे आ गया। और इसी के साथ ज्ञान ने फिनिश लाइन पार करके 400 मीटर की रेस जीत ली। शाबाश दोस्त, अपना शेर रेस जीत गया। अरे बुद्धू, रेस शेरों की नहीं घोड़ों की होती है। ई रेस ज्ञान जीत गया, क्योंकि उसे छोड़कर बाकी सब बच्चों ने खाने के लिए अपना कंसंट्रेशन खो दिया, और ये खाना बुध और बद्री ने खिलाया है, इसीलिए ज्ञान के साथ इन दोनों को भी इनाम मिलेगा। दोस्त, आज तो हम पर दुबे सर की कृपा हो गई। ज्ञान को मेडल मिलेगा और बुध और बद्री मुर्गा बनकर मुर्गा रेस लगाएंगे।
गुरुजी, ज्ञान का दिमाग और शरीर दोनों चुस्त और तंदुरुस्त है। बचाओ, हम पे किसी ने हमला कर दिया। हमला नहीं महाराज, गमला। आपके वस्त्र गमले में उलझ गए थे। ओह, हमें लगा किसी दुश्मन ने हमारी गर्दन दबोच ली। हुजूर, हमारी इजाजत के बिना इस किले में दुश्मन तो क्या कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सेनापति, इस गुस्ताख मक्खी को पकड़ के कैद खाने में डाल दो। जो हुकुम महाराज। मम्मी, नहीं, नहीं। सेनापति, खुद को संभालिए, ऐसे तो आप मक्खी मार बन जाएंगे। जो बनना है बन जाएंगे, लेकिन हम इस गुस्ताख को नहीं छोड़ेंगे। अपने गुस्से पर कंट्रोल करो सेनापति। सेनापति जी, हम कहते हैं रुक जाइए। नहीं महाराज, हम इस मक्खी को नहीं छोड़ेंगे। सर, बुद्ध और बद्री पानी में गिर गए। चलो चलो, सब लोग एक एक करके उतरेंगे और लाइन से चलेंगे। और बुदर बद्री, कोई शैतानी नहीं, समझे? हाँ, क्योंकि अब हम एक ऐतिहासिक किले को देखने जा रहे हैं। अरे बाप रे, इतना बड़ा दरवाजा। सर, पहले इतने ऊंचे लोग हुआ करते थे क्या? नहीं, इस दरवाजे से सिर्फ लोग नहीं, हाथी, घोड़े, ऊंट सब जाया करते थे। सर, इन लोगों ने इतना बड़ा दरवाजा लगाया, लेकिन एक कमी रह गई। उका? दरवाजे पे डोरबेल नहीं लगाई। अच्छा, चलो आगे। ये देखो, राजा की सेना दुश्मन पे हमला करने के लिए पूरी सेना को लेकर निकलते थे। लगता है राजा डरपोक होते होंगे, तभी तो इतनी सेना लेके निकलते थे। सर, ये देखिए, इतनी बड़ी चेयर, लगता है किले के प्रिंसिपल की है। हाँ, राजा भी एक तरह से प्रिंसिपल ही होता था। इस सिंहासन पे बैठकर राजा अपनी प्रजा और दरबारियों की शिकायतें सुना करते थे। सर, हम सिंहासन पर बैठकर देखें? नहीं, कोई नहीं बैठेगा। चलो आगे बढ़ो, 6 बजे किले का दरवाजा बंद हो जाएगा, उसके बाद फिर कुछ नहीं देख पाएंगे। ये काली कोठी किस लिए? ये है कारागार, जहाँ पे राजा शैतान लोगों को कैद करते थे। सर, ये इन चमगादड़ का घर है और आपने इनको शैतान कह दिया, तो ये बुरा मान गए। चुप रहो, चलो आगे। ये देखो, किले के बाहर ये लगी तोप इस किले की रक्षा के लिए लगाई गई थी, ताकि कोई किले पे हमला करे तो राजा उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे सके। दोस्त, ये तोप देखकर तो हमारा मेगा रोबोट भी डर जाएगा। हाँ, चल देखते हैं। सर, हम तोप तो देख सकते हैं ना? हाँ हाँ, लेकिन जल्दी करो, किले का दरवाजा बंद होने का समय हो रहा है।
दोस्त ये तोप तो एकदम हमारे स्कूल के सीसॉ जैसी है। हाँ तो चल फिर झूलते हैं। चलो चलो टाइम हो गया। अरे दोस्त ये तोप तो टूट गई। अब राठी सर नहीं छोड़ेंगे। चल पीछे से बाहर निकलते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा कि हमने तोड़ी है। दोस्त यहाँ तो कुछ नजर नहीं आ रहा। अरे जब कोई है ही नहीं तो नजर कैसे आएगा। कोई है, कोई है, कोई है, कोई है। दोस्त आवाजें तो इतनी सारी आ रही हैं, फिर कोई दिख क्यों नहीं रहा। अरे ये मेरी आवाज गूंज रही है। दोस्त मुझे ठीक नहीं लग रहा, चल उसी रास्ते से जाते हैं जिससे आए थे। अरे यहाँ तो कोई नहीं है। लगता है किला देखने का समय खत्म हो गया, सब चले गए। दरवाजे पे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। इससे पहले कि दरवाजे बंद हो जाएं और वो लोग हमें छोड़कर चले जाएं, चलते हैं यहाँ से। ये दरवाजा तो कोई हाथी ही तोड़ सकता है, चल दूसरा दरवाजा देखते हैं। सबीना, जीवा, करण, अरे बुध और बद्री कहाँ रह गए? दरवाजा खोलो! दोस्त ये देख चाबी। अरे चाबी क्या करूं, इसका ताला ढूंढूं क्या? अरे ताला नहीं दरवाजा, ये चाबी इनमें से किसी ना किसी दरवाजे की जरूर होगी। हाँ तो चल इसी दरवाजे से ट्राई करते हैं। अरे ये चाबी तो इसी दरवाजे की है। अरे यहाँ तो खिलौने ही खिलौने भरे पड़े हैं। अरे देख बॉक्सिंग ग्लव्स, आ चल फाइट करते हैं। हाँ चल हो जाए फाइट। रुकना लगता है कोई आ रहा है। हाँ चल चल छुपते हैं। दोस्त हमारी तरह किसी और स्कूल का भी बच्चा रह गया क्या यहाँ पे? अरे वो बच्चा नहीं बल्कि बड़ा आदमी है जिसका कद छोटा है। दरवाजा खुला हुआ है, लगता है यहाँ कोई आया है। मेरे इस चोरी के सामान का और इस अड्डे का किसी को पता चल गया है। इससे पहले कि पुलिस यहाँ आ जाए मुझे सब सामान ठिकाने लगाना होगा। तो तुम दोनों हो जिनको मेरे राज का पता चल गया है, मुझसे करते हो शाण पत्ती? अरे मेरा नाम है दुग्गा बत्ती, बुझा देता हूँ सबकी बत्ती। मैंने दरवाजा तो इसने खोला था, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं दरवाजा इसने खोला था, झूठे मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अच्छा तो मैं क्या तुझे छोड़ दूंगा? तो फिर आओ दिखाता हूँ। मेरी बात सुनो। बद्री और भूत तुम लोग यहाँ? सर ये चुप रहो, तुम लोगों की वजह से हम सब कितने परेशान हुए तुम्हें पता है? हाँ इन दोनों ने मुझे भी बहुत परेशान किया है। ये कौन है? धूप बत्ती। धूप बत्ती नहीं दुग्गा बत्ती। अरे धूप बत्ती हो या अगरबत्ती है तो चोरी ना, जो बच्चों की चीजें चुराता है। और उन्हें यहाँ पर किले के कमरे में छुपा कर रखा है।
हाँ सर, जब इसे ये पता चला कि हम इसके अड्डे का राज जान गए तो ये हमें मारने लगा। और तुम दोनों ने मिलकर इसको पकड़कर कारागार में डाल दिया। हाँ सर, इस किले के राजा भी तो यही करते थे ना। देखा दुबे जी, बाकी बच्चों ने सिर्फ किला देखा लेकिन इन दोनों ने इस किले को फतेह कर लिया। शाबाश। पार्टनर, मेरा फैन देखा। अरे तू शाहरुख है क्या कि तेरा भी कोई फैन हो? अरे वैसा फैन नहीं, ये वाला फैन एकदम लल्लंटा। मुझे क्या फायदा इसका, मुझ तक तो हवा पहुंचती नहीं। इसकी हवा खाने के लिए तो तुझे साइकिल चलानी पड़ेगी ना। चलाएगा? नहीं नहीं, तू ही खा ले इसकी हवा, मैं पीछे ही ठीक हूँ। ये देखिए आ गए लेट लतीफ। आओ और बताओ आज क्यों लेट हुए? साइकिल पे फेर? बढ़िया है भाई, इस गर्मी से बचने का अच्छा तरीका ढूंढ लिया तुमने। थैंक यू सर। सर पहले ये पूछिए कि लेट काहे आए? अरे दुबे, जरा बच्चों की तारीफ भी करनी चाहिए। देखो कितना बढ़िया फैन लगाया है इन्होंने साइकिल पर। तुम्हारे स्कूटर पर है क्या ऐसा फैन? बोलो। उन्होंने आपका डिसिप्लिन तोड़ा है। बताओ छोरो, लेट क्यों आए हो? कृष्णन सर ने साइंस प्रोजेक्ट का होमवर्क दिया था। हाँ, और ये फैन हमारा साइंस प्रोजेक्ट है। तो फिर जाओ जल्दी से लैब में। क्लास खत्म हो गई और अब आ रहे हो? दिस इज नॉट गुड। सर हमने अपना प्रोजेक्ट कर दिया है। शो मी। ये क्या है? ये तो एक सिंपल फैन लग रहा है। सर ये कोई ऐसा वैसा फैन नहीं है, स्पेशल फैन है स्पेशल। हाँ सर, हवा लगने पर ये घूमने लगता है। दिखाओ मुझे। ये तो टूट गया है। ऐसे कैसे टूट गया? अरे अभी जीवा से टकराया तब टूट गया होगा, अब क्या करें? अरे बद्री, पता है तू किससे बात कर रहा है? कृष्णन सर से। हाँ तो सर इसको ऐसे ठीक कर देंगे। सर आप तो कुछ भी ठीक कर सकते हैं। हाँ सर, आप तो बहुत टैलेंटेड हो, इतने जीनियस हो। यस करेक्ट, लाओ इधर, मैं ठीक करता हूँ। आप तो दुनिया के सबसे बेस्ट मैकेनिक हो। यस मैं हूँ मैकेनिक, बेस्ट इन द वर्ल्ड। आई एम कृष्णन मैकेनिक, बेस्ट मैकेनिक। अरे ये सर को क्या हो गया? पता नहीं, भाग यहाँ से। मेरी माँ स्टार्ट हो जा। अरे वाह, तुम तो कार एक्सपर्ट निकले, क्या नाम है तुम्हारा? आई एम कृष्णन मैकेनिक, बेस्ट मैकेनिक इन द वर्ल्ड। वाह, यहाँ मेरे गैराज में मैकेनिक की जगह खाली है, आज से तुम यहीं आओ। उफ, क्या गर्मी है यार। हाँ यार, और मेरा फैन भी कृष्णन सर के पास छूट गया। अरे हाँ चल लेकर आते। पटेल अंकल, आज कृष्णन सर दिखाई नहीं दे रहे, लैब भी बंद है। वो आज स्कूल नहीं आए। लगता है कुछ गड़बड़ हो गई है सर के साथ। यार तू सर के बारे में सोच रहा है, अपने फैन के बारे में भी सोच। अरे फैन तो लैब में ही होगा, चल पहले कृष्णन सर के घर चल के उनसे मिलते हैं।
यहाँ तो ताला लगा है। घर पे भी नहीं और स्कूल में भी नहीं। कृष्णन सर को ढूंढ रहे हो क्या तुम लोग? हाँ, वो हमारे टीचर हैं। वो कहाँ हैं? वो तो कल स्कूल से वापस घर ही नहीं आए। कल से यहाँ ताला लगा हुआ है। लगता है हमारा फैन लेकर भाग गए। अरे नहीं, कुछ गड़बड़ है। कल लैब में देखा ना कैसे कर रहे थे सर। हाँ चल ढूंढते हैं सर को। एक काम करते हैं, गाना गा के ढूंढते हैं कृष्णन सर को, जैसे हिंदी फिल्मों में होता है। लल्लंटप अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, दोपहर के बज गए पूरे दो। ढूंढो सब कृष्णन सर को, सर जल्दी से अब दर्शन दो। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, दोपहर के बज गए पूरे दो। देख वो कृष्णन सर उस गैराज में। अरे ये सर गैराज में कार क्यों रिपेयर कर रहे हैं? लगता है सर कोई नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। गुड आफ्टरनून सर, आप कोई नई कार बना रहे हैं? सर बात नहीं करनी तो मत करो, लेकिन हमारा फैन कहाँ रखा है वो तो बताओ। क्या हो रहा है यहाँ? कौन हो तुम लोग? ये हमारे कृष्णन सर हैं, हम इन्हें लेने आए हैं। ये मेरा मैकेनिक है, तुम्हारा कृष्णन सर नहीं। और ये हमारे कृष्णन सर है। चलो भागो यहाँ से, उसे काम करने दो। तुम्हारी बातों से लगता है कि कृष्णन सर हिप्नोटाइज हो गए हैं और उनकी याददाश्त चली गई है। याददाश्त चली गई? कहाँ? अरे बुद्धू, कृष्णन सर केरला से हैं, तो वहीं गई होगी ना इनकी याददाश्त। अरे अकल के अंधो, याददाश्त मतलब मेमोरी। वो अपनी जिंदगी के बारे में सब भूल गए हैं, उन्हें याद दिलाना होगा। सर हमें पहचानो, हम आपके प्यारे स्टूडेंट्स हैं। मैंने एक फिल्म में देखा था, हीरो की याददाश्त आती है तो तब एक फैमिली सॉन्ग आते है। वैसे ही हम भी एक फैमिली सॉन्ग आते है। नहीं तो बजरंग बली की आरती गाते हैं। ए चुप, आइडिया, अपना स्कूल का सॉन्ग गाते हैं। गुड आइडिया, चलो। रेडी 1 2 3। अपना 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 स्कूल, छोटे। अरे तुम दोनों फिर आ गए और अपना गैंग भी साथ लाए हो, भागो यहाँ से। जीवा भेष बदल के गैराज के मालिक के पास जाएगा और उसे बातों में उलझाएगा। इतने में तुम कृष्णन सर को उनकी फेवरेट इडली डोसे की प्लेट दिखाओ। ये देखकर कृष्णन सर के मुंह में पानी आएगा और वो तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। तो तुम लोग सर को यहाँ ले आओ। यहाँ पे ज्ञान मतलब मैं एक हाथ गाड़ी लेकर वेट करता रहूँगा। हम इडली डोसा की प्लेट इस हाथ गाड़ी में रख कर कृष्णन सर को हाथ गाड़ी में बिठाएंगे और इस रास्ते से निकल जाएंगे। समझ गए सब? इडली डोसा, मुझे तो ये सुनकर ही भूख लग गई। ए तो फालतू की बात मत कर, इडली डोसा कृष्णन सर की याददाश्त वापस लाने के लिए है, तेरे लिए नहीं। एक्सक्यूज मी, मेरी गाड़ी यहाँ से थोड़ी दूर खराब हो गई है, आप मिले तक आएंगे उसे देखने? कौन सी गाड़ी है सर आपकी? फुलाली है, फुलाली। फोरारी? ये कौन सी कार होती है? आपको देख के ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको कहीं देखा है। वो मैं कभी कभी आता हूँ अपनी कार रिपेयर करने के लिए, तब देखा होगा। अरे सत्यानाश, उस फरारी वाले की मूंछ निकल रही है। अभी स्कूल से पास नहीं हुए और कार चलाने लगे, अभी दिखाता हूँ तुमको। सर ये देखो हमने आपके लिए क्या लाया है। छोड़ूंगा नहीं बदमाशों। अब बच के कहाँ जाओगे? Yeah.
आई एम कृष्णन मैकेनिक, बेस्ट मैकेनिक इन द वर्ल्ड। ये सब क्या है? मैं कहाँ हूँ? क्या सर, एक तो सारी इडली खा गए और अब पूछ रहे हो मैं कहाँ हूँ? अरे ये सोचो कि सर को हिप्नोसिस से बाहर कैसे निकालें। आइडिया, सर आपने पेट पूजा की, अब थोड़ी ठंडी हवा का झोंका भी खा लो। यार मैं भूख और गर्मी से मर रहा हूँ और तू कृष्णन सर को हवा खिला रहा है। अरे दोस्त, अब तो सिर्फ जादू देख जादू। अरे मैंने पहले कहा था ना कि ये एक सिंपल फैन है, फिर बार बार ये फैन क्यों दिखा रहे हो? अरे सर, ये सिंपल फैन नहीं तो आपको कृष्णन मैकेनिक, बेस्ट मैकेनिक इन द वर्ल्ड बना दिया था।